सर एंड विमलेश मैम, वेलकम मैम, वेलकम सर, वंदना मैम और अजीत सर हमारे ऑडियो प्रोड्यूसर हैं और सीआईटी के जितने भी प्रोग्राम प्रोड्यूस होते हैं उनकी गाइडेंस में ही होते हैं. सो आई वेलकम वंदना मैम और अजीत सर. नाउ ओवर टू यू सर एंड मैम. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एज वी वर इंट्रोड्यूस्ड, आई एम अजीत होरो एंड आई एम विमलेश चौधरी. तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज की इस अच्छी महफिल में आप सबका स्वागत है. मोस्ट वेलकम. और सारे प्रेजेंटेशन को हम सुन रहे थे, इट वॉज रियली वंडरफुल. तो बहुत बहुत धन्यवाद. और आज का जो विषय रहेगा मेनली टू क्रिएट द ऑडियो रिसोर्सेज ई कंटेंट. तो आइए इस समय आज के सेशन की ओर चलते हैं. और फिर से सबका बहुत बहुत स्वागत. और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब सेशन चलेगा अगर कोई रिएक्शन देना है, कोई इंटरेक्शन है तो जरूर कीजिए. चैट बॉक्स खुला है, आप लोग बोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा, सो दैट द सेशन इज रेसिप्रोकल. तो बहुत बहुत धन्यवाद. आइए आज के फर्स्ट आपका प्रेजेंटेशन में चलते हैं और थोड़ा सा इंतजार कीजिए. स्क्रीन दे देते तो शुरू करते हैं. या इससे पहले कि शुरू करें, जैसा हमेशा होता है, व्हेनेवर वी कम टू द सेशन वी शेयर अ स्टोरी विद ऑल ऑफ यू. एक कहानी से आरंभ करेंगे आज के लिए और फिर एंड वी बिलीव कि दिस स्टोरी इज गोइंग टू रियली bring a wonderful message to all of us. हमें से हर एक के लिए एक अच्छा संदेश होगा. तो इस समय दो तीन स्टोरीज तो ऐसी जो कि लगातार बता चुके हैं, लेकिन once again, start video. आप लोगों की सूचना के थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान है, इसके बाद फिर हम लोग आएंगे बहुत जल्दी आपके पास. कैमरा भी ऑन नहीं हो रहा, जस्ट वेट.
कुछ अभी टेक्निकल इशू हो गया है, तो अभी हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं. प्लीज वेट फॉर अ मिनट. अभी कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया है सर के एंड पे, तो वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं. तब तक आप लोग आई रिक्वेस्ट टू मिस चिंटी, प्लीज शेयर अटेंडेंस शीट. ओके मैम, आई एम शेयरिंग. तब तक आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दीजिए. जब तक हमारे एक्सपर्ट रीज्वाइन करते हैं, तब तक आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दीजिए. अटेंडेंस लिंक मॉर्निंग सेशन का शेयर कर दिया गया है. प्लीज आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए. No, excuse me, ma'am. Yes, sir. ma'am, कल मैंने शाम के सेशन में रिक्वेस्ट की थी, जो अपना अटेंडेंस फॉर्म है गूगल का, इसमें एक ऑप्शन होती है रिस्पॉन्स की कॉपी बाई मेल मिलने की, और अभी मैंने अटेंडेंस लगाई है तो मैम वो ऑप्शन इनेबल नहीं की गई आपके एंड से, तो नेक्स्ट जो सेशन उसमें मैम वो रिवर्ट ईमेल वाली ऑप्शन उसमें इनेबल कर दीजिएगा प्लीज. इससे मतलब हमें भी श्योरिटी हो जाती है कि हमारी प्रॉपर लग गई है. प्लीज ठीक है सर, डू कंसीडर. ठीक है ठीक है, वी विल कंसीडर इट. ओके मैम, थैंक यू.
Excuse me, ma'am, are you there? Yes, sir. Gulshan ma'am, instead of waiting for the time, मतलब क्यों ना इस time को हम utilize करें आपस में means जो participants वो आपस में interaction करें. मैं अपना एक Canva का जो मेरा कल का जो प्रोजेक्ट है वही मतलब शेयर कर देता हूँ, इससे मीन्स वही बात थोड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा. अच्छा ठीक है, ठीक है. एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी. हेलो. हाँ जी, हाँ जी सर, आप वो वाला कर दो H5P का ड्रैग वाला, वो हमें आ नहीं रहा है. ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड वर्ड वाला तो आ गया, दूसरा है वो मैंने ट्राई भी किया लेकिन मुझे आया नहीं है. दिखाना चाह रहे हैं तो आप वो कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा उधर कैमरे का इशू हो गया है सर के साइड. जैसे ही वो ठीक होता है हम अपना सेशन रिज्यूम करते हैं. और ड्रैग एंड ड्रॉप अगर कोई और कंफर्टेबल है शेयर करने में तो वो कर सकते हैं. I'm just logging in. मैम आई एम रेडी, प्लीज गिव मी शेयरिंग राइट्स. अच्छा शेयर राइट्स, ठीक है सर. आलोक सर प्लीज सर को अलाउ करें. My screen is visible? जी सर जी. Yes. Yes, okay. ये जो कल मैं सुषमा मैम जो प्रोजेक्ट करवाती है उनके साथ हाथों हाथ बनाते हैं ना हैंड्स ऑन डायरेक्ट, तो मैम ने हमें 6-7 टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, मल्टी एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मार्क द वर्ड. आई थिंक अजीत सर आ गए हमारे साथ. रामपाल सर सॉरी. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन व्यवधान के लिए खेद है, लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार जितना लंबा होता है उसका परिणाम उतना ही अच्छा होता है, वी बिलीव अच्छा रहेगा. और आज के सेशन में इससे पहले कि आप किसी और भूमिका में नहीं जाते हैं, यूजुअली ये होता है कि ऑन एवरी सेशन वी स्टार्ट विथ अ स्टोरी, एक कहानी के साथ हम आरंभ करते हैं. और इस समय ये कहूँगा इस कहानी का सरोकार सीधा आप लोगों से है. तो एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी घटना है, उसकी ओर इस समय चलते हैं, देन वी विल स्टार्ट. तो आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना होगा. ऑस्ट्रेलिया में एक पहाड़ है माउंट मॉर्गन. माउंट मॉर्गन एक आपका ईस्टर्न साइड में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में है, अराफुरा सागर के पास है. और वहां पर हजारों साल से जो वहां के एबोरिजिन्स थे वो वहां पर रहा करते थे. एंड दे स्ट्रगल्ड विद द पॉवर्टी, दे स्ट्रगल्ड विद द डिजीज, दे स्ट्रगल्ड विद द पॉसिटी. बहुत ज्यादा गरीबी से उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि क्या है माउंट मॉर्गन के अंदर किसी प्रकार की और सुविधा नहीं थी. भेड़ पालन करना, कुछ और करना, ये सब उनका काम था, और खेती करना. हजारों साल तक यही रहा. लेकिन अचानक एक दिन जब पता चला कि माउंट मॉर्गन में नीचे बहुत ही बड़ा गोल्ड माइन है, सोने का बहुत बड़ा भंडार है, जब इस बात का पता चला सरकार ने उस जगह को अधिग्रहण किया और इमिडिएटली उनका जीवन बिल्कुल बदल गया. देयर लाइफ वॉज एंटायरली चेंज्ड आफ्टर दे केम टू नो वट वॉज बीनीथ देयर फीट, उनके पांव के नीचे क्या है. और आज इसी बात को आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं. वो ये है कि बहुत बार हम अपनी लिमिटेशंस के अंदर वी स्ट्रगल,
हमारे पास हमारे सोचने का एक सीमित तरीका है या तो कुछ और बातें हैं उसके अंदर कई बार हम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जिस दिन पता चल जाएगा व्हाट इज बीनीथ आवर फीट, क्या हमारे आसपास है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या है, और जिस दिन ये पता चल जाए कि जो टूल्स जो आईसीटी टूल्स अभी हम यूज करने की बात कर रहे हैं उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आई बिलीव कि इट इज गोइंग टू चेंज नॉट ओनली आई मस्ट से आवर लाइफ्स बट ऑल्सो द लाइफ्स ऑफ द स्टूडेंट जिनको हम लोग डील करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। अब आज के सेशन में आगे चलते हैं, और आज के सेशन में जब आगे चलते हैं इस समय आज का ऐसा टॉपिक है ऑडियो रिसोर्सेज। तो इससे पहले और एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं हूं अजीत होरो और मेरा नाम है विमलेश। आइए इस समय चलते हैं आज की स्क्रीन की ओर चलेंगे और ऑडियो इज क्लियर। यस मैम, यस यस मैम, यस मैम। अब बस थोड़ा सा और इंतजार। राइट, ओके, कर सकते हाँ। तो इस समय आप सबों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस सेशन में, वी वेलकम यू होल हार्टेडली। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सब इस समय इस सेशन के अंदर हैं, एंड वी बिलीव दैट ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू बी एनलाइटेंड बाय दिस सेशन। आगे चलते हैं और इस समय एक स्वागत को आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इस समय आज का कॉन्सेप्ट रहेगा। इस समय मैं विमलेश को रिक्वेस्ट करूंगा टू शेयर इन अ फ्यू वर्ड्स व्हाट डू वी मीन बाय द ई कंटेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं, ई कंटेंट जो हम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कोई भी मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जो भी हम डेवलप कर रहे हैं, जो एजुकेशनल कंटेंट है, दैट इज ई कंटेंट। और वही जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू डेवलप कर रहे हैं और डिसेमिनेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, दैट इज ई कंटेंट। और ये जो ई कंटेंट है इट कैन बी अ टेक्स्ट ऑल्सो, इट कैन बी अ इमेज, और यस दिस इज ऑफ कोर्स इट इज अ ऑडियो ऑल्सो, इट कैन बी अ वीडियो एंड इट कैन बी एन एनिमेशन ऑल्सो। सो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ ई कंटेंट। सर, तो ई कंटेंट के बारे में हम लोगों ने बातचीत की, अगले स्लाइड में चलते हैं इस समय। और ई कंटेंट आप में से हर कोई जानते हैं, लेकिन अब आज के मुख्य विषय पर आते हैं। डू यू थिंक दैट द रेडियो इज अनपॉपुलर, क्या ऐसा लगता है कि अनपॉपुलर है? इसको लेकर के लोगों के अलग अलग विचार हैं। कल ही यहाँ पर कुछ स्कूल से बच्चे आए थे, कुछ कॉलेज के बच्चे आए थे, जब मैंने पूछा कि आपको लगता है क्या कि ये अनपॉपुलर है, तो इमिडिएटली उनका कोई आंसर नहीं आया। हाँ, थोड़े से मिले जुले से उनके आंसर मिले जुले। हाँ, उनका ऑडियो नहीं है। नो ऑडियो प्लीज। तो उन लोग की जो प्रतिक्रिया थी वो मिली आपको मिली जुली थी। कुछ लोग का कहना था ऑडियो बहुत अनपॉपुलर हो गया है। yes. कुछ लोग का बोलना था कि पॉपुलर है लेकिन सिर्फ शहरों के अंदर है। और आज जबकि इस यानी सेशन के अंदर आप लोग हैं शिक्षा के अंदर, जबकि हम आईसीटी का उपयोग करते हैं, ऑडियो रिसोर्स की जब हम बातचीत करते हैं, तो खास तौर से ये जानना पड़ेगा, जब तक हम कन्विंस नहीं है रेडियो पॉपुलर है या नहीं, जब तक हम कन्विंस नहीं है कि ऑडियो का क्या स्कोप है, तब तक इफ वी आर नॉट कन्विंस बाय आवरसेल्व्स वी आर नॉट गोइंग टू इम्पार्ट द राइट इन्फॉर्मेशन टू अदर्स। तो इसीलिए क्या रेडियो अनपॉपुलर है, आप लोगों का क्या जवाब होगा वो हम लोग बाद में। नो सर, पॉपुलर है। हाँ, इट्स पॉपुलर, इस समय जवाब आ गया है। और आगे चलते हैं इस समय नेक्स्ट स्क्रीन, नेक्स्ट स्लाइड। यदि शोध परिणामों को देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इट इज द रिसर्च फाइंडिंग्स ऑफ द मिड इंडिया एंड रिसर्च फाइंडिंग्स आई मीन टेकन फ्रॉम द फोर स्टेट्स। और यहाँ पर देखते हैं कि वीकली का अगर आप परसेंटेज बताएं, वीकली का अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो 44% जो है लोग रेडियो को सुन के अपना रेडियो सुनते हैं। हाँ, रेडियो सुनते हैं। और अगर मंथली देखेंगे तो 6% है, लेकिन डेली यदि देखेंगे, और ये चार स्टेट्स का ये डेटा है। और यहाँ पर देखते हैं कि डेली सुनने वाले लोग करीब करीब 50% लोग डेली सुनते हैं। और आजकल एक बात बड़ी बहुत ज्यादा आजकल लोग इस पर बिलीव करने लगे हैं, 67% ऑफ द टोटल एक्चुअली पॉपुलेशन इन द कॉस्मोपोलिटन सिटीज दे लिसन टू द रेडियो एंड दे शेप देयर ओपिनियंस
आफ्टर लिस्निंग टू द रेडियो, तो रेडियो बिल्कुल अनपॉपुलर नहीं है। आगे इस समय चलते हैं और इसके साथ ही मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, जब भी हम कार ड्राइव करते हैं सो मॉर्निंग में फर्स्ट काम करते हैं कि हम जैसे ही कार में बैठते हैं तो सबसे पहले रेडियो ऑन करते हैं, तो रेडियो अनपॉपुलर तो नहीं है और जहां हम जाते हैं वहां हम रेडियो साथ में लेके चलते हैं, तो ये मतलब वी कैन नॉट से इट इज अनपॉपुलर। हाँ, तो इस समय एक बात और करेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ रेडियो, रेडियो की स्ट्रेंथ क्या क्या है, इन बातों को थोड़ी देर के देखेंगे, उसके बाद फिर हम आज के मेन कंटेंट में आएंगे। तो व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द रेडियो, इस समय देखेंगे नंबर वन इट इज मोर इकोनॉमिक। ऐसा आप क्यों कहते हैं कि ये मोर इकोनॉमिक है? व्हाई सर, हम अपने फोन में इसको सुन सकते हैं, एक छोटे से रेडियो सेट में हम इसको सुन सकते हैं, तो जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनको सुन सकते हैं इजीली, और कोई भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं वो इजीली अफोर्ड कर सकता है, मतलब ज्यादा खर्चीला नहीं, आप ये बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, तो ये बहुत इकोनॉमिक है, अगर हमारे पास एक छोटा सा फोन है तो हम उसमें आराम से रेडियो सुन सकते हैं। आराम से सुन सकते हैं, आजकल के कुछ रेडियो सेट्स भी हैं, आजकल तो पेन सेट्स भी आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक है, यानी बोलने का मतलब ये कि इट हैज अ वाइडर रीच टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसका रीच बहुत ज्यादा है। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं, ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग द स्क्रीन नाउ, और यहाँ पर देखेंगे इट इज इजीली मूवेबल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जैसा कि अभी मैंने बोला कि अगर हमारे पास फोन है तो हम फोन में अपने साथ फोन कहीं भी लेके जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इजीली मूवेबल है। और अगर हम कार की बात करें तो कार में भी ये हमारे साथ साथ मूव करता है, हमारे साथ साथ मूव करता है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं रेडियो हमारे साथ होता है, साइकिल में भी जा रहे हैं तो हम उसको जेब में रख करके सुन सकते हैं, इट इज इजीली मूवेबल। लेकिन अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, दैट इज इट अलाउज द मल्टीटास्किंग, तो इसको हम कुछ आगे समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जैसे कि अगर हम मान लीजिए किचन में काम कर रहे हैं और किचन में काम करते करते हमें लग रहा है कि हम बोर हो रहे हैं, तो हम वहां पर म्यूजिक सुन सकते हैं रेडियो के थ्रू, और एट द टाइम ऑफ स्टडी, एट द टाइम ऑफ वॉकिंग ऑल्सो, और एट द टाइम ऑफ गार्डनिंग ऑल्सो आप आराम से रेडियो सुन सकते हैं। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल सकते हैं, इट इज नॉट मोर I must say the captivating. जैसे मान लीजिए टेलीविजन अगर हम देख रहे हैं तो होगा ये कि हमको एक जगह पर बैठना पड़ेगा बैठ करके देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये है कि रेडियो बजा दिया कमरे में, है ना, रेडियो कमरे में बज रहा है, गार्डनिंग भी हो रही है, स्टडी भी हो रही है, एक जगह पर नहीं बैठ करके भी रेडियो हमको मल्टी टास्किंग अलाउ करता है। आगे एक बात और यहाँ पर देखेंगे, इट इज वाइडर रीच इन टफ ज्योग्राफिकल कंडीशन, बहुत कठिन जो भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, जो आपका एनवायरनमेंट जो है वहां पर रेडियो का रीच बहुत इजी है, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं। इस समय देखेंगे कि एक और बड़ी अच्छी बात है कि रेडियो वेव्स जो है इसके बारे में बोलते हैं, आफ्टर सनलाइट, आफ्टर सन रेज, इट हैज अ रेडियो वेव्स आर ओनली देयर हु कवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ आफ्टर द सन। यहाँ पर इस बात को देखते हैं तो एक बात यहाँ पर बोलना चाहूंगा, जहां पर डिफिकल्ट मतलब सिचुएशन है, पहाड़ है, अच्छा आपका टेरेन्स है, अच्छा जंगल है, जहां पर कि शायद बहुत बार ये अभी तक सैटेलाइट नहीं है, तो इसे हो सकता है जहां पर कि टावर्स नहीं है, वहां पर एक बात बड़ी इजीली हम देख सकते हैं कि रेडियो हैज अ वाइडर रीच, बड़े आराम से ये रीच करता है। और इसके बाद एक बात और हम देखते हैं, और इसी को अगर थोड़ा ऊपर लेकर के आएंगे तो वी कैन सी दिस मोर इफेक्टिव इन नेचुरल कैलामिटीज। इस समय मैं याद करता हूँ श्रीलंका में एक बार जब साइक्लोन आया था, एक बार इवन आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, तो हजारों लोग उस समय बेघर बार हो गए, सारी विपरीत परिस्थितियां वहां पर थी, लोग आपस में खो गए, आंधी तूफान इतना तेज था, बहुत लोग समुद्र में बह गए होंगे, डेथ टोल बहुत था, लेकिन इस टाइम में बहुत लोग रेस्क्यू किए गए। रेस्क्यू करने के बाद जब वो रेस्क्यू कैंप के अंदर थे, वो बेचैन थे कि उनके डियर वंस कहाँ हैं, हमारे लोग कहाँ हैं, मतलब हो सकता है कोई बाप अपने बेटे को ढूंढ रहा हो, कोई माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही हो। उस समय में मैं याद करता हूँ रेडियो का रोल बहुत ही पावरफुल था, और वो ये था कि रेस्क्यू कैंप के अंदर इंफॉर्मेशन आती थी कि अगर आपका नाम ये है तो आपको हम बताना चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार को या आपके प्रियजन को हमने ढूंढ लिया है, यू नीड नॉट टू बी पैनिक, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड इट वॉज अ रेडियो ओनली उस समय के लिए, एक बात कहूंगा, जो कि गुड न्यूज लेकर के आता था। इज़न्ट इट अ गुड न्यूज? इट इज अ गुड न्यूज व्हेन आई कम टू नो कि मेरा डियर वंस वहां है, मेरा कोई डियर वंस है, वो इस समय सुरक्षित है, कोई सेफ है। तो ये मोर इफेक्टिव इन नेचुरल कैलामिटीज, क्योंकि कैलामिटीज के अंदर हो सकता है टावर गिर जाए, बिल्कुल, यानी कैलामिटीज के अंदर अभी तक सैटेलाइट तक हम नहीं पहुंचे, है ना, तो है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर टावर गिर गया, कुछ हो गया, तो सबसे ज्यादा हम वी कैन डिपेंड ऑन द रेडियो वेव्स
विच कैन ब्रिंग टू अस द गुड न्यूज कि हमारे लोग ठीक ठाक हैं। आगे एक और पॉइंट में चलते हैं, मोर इमेजिनेशन, इसके बारे में क्या तो कहेंगे? रेडियो हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है इमेजिनेशन की, ज्यादा सोचने की, जो हम इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं रेडियो एक एक्टिव मीडियम है और टीवी पैसिव है। टीवी में अभी जैसा कि सर ने बताया कि हमें एक जगह पे बैठ के और सुनना है, और टीवी में जैसा हमें दिखाया जा रहा है, जैसा हमें परोसा जा रहा है, हम सेम एज इट इज लेते हैं। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम एक रोज की बात करें, अगर वो रेड रोज है तो हमें सिर्फ रेड ही कलर का दिखाई देगा। लेकिन अगर हम अगर रेडियो की बात करें तो वहां पे हमारे पास स्कोप है इमेजिनेशन का। हमारा वो जो रोज है वो इट कैन बी अ ब्लैक कलर ऑल्सो, इट कैन बी अ येलो कलर, यस ऑफकोर्स इट इज इन रेड कलर। लेकिन ये हमारे इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि हमारा जो इमेजिनेशन है, जहाँ हमारा जो स्कोप है, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग है, वो हमें वो रोज जो है किस कलर का दिखाई, किस कलर का आपको बिंब बनाना है। हाँ, तो ये बोल सकते हैं कि रेडियो हमको मौका देता है और अधिक फ्रीली सोचने का। जी बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई डायलॉग चल रहा है, उसके पीछे म्यूजिक चल रही है, अगर साउंड इफेक्ट चल रहा है, तो अलग अलग लोगों के ओपिनियन अलग 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 अलग। तो इस समय ये कहेंगे कि इट अलाउज अस टू थिंक मोर फ्रीली, मोर फ्रीली, हम ज्यादा स्वतंत्र होकर सोच सकते हैं और ये हमको इमेजिनेशन का मौका देता है। ये है एक और यहाँ पर बात हम देख रहे हैं नीचे, दैट इज द नो स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम से क्या हम समझ, आइए सुनते हैं। तो टीवी पे हम जो स्क्रीन दिखाई देती है, टीवी में हमें हम बाध्य हो जाते हैं स्क्रीन देखने के लिए, हमें क्योंकि बिना स्क्रीन देखे हम वो कंटेंट नहीं ले सकते। लेकिन रेडियो के साथ ऐसा नहीं है, रेडियो को सिर्फ हमें सुनना है, उसको देखना नहीं है। और ये कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया था बच्चों का, और बहुत ज्यादा जगह डिस्कशन चल रहे थे कि बहुत ज्यादा स्क्रीन देख रहा है बच्चा। जो हमारे बच्चे हैं वो डिपेंडेंट हो गए थे टीवी पे, स्क्रीन पे डिपेंडेंट हो गए थे। आप कह सकते हैं कि जैसे अगर उनको खेलना है तो वो भी स्क्रीन पे खेल रहे थे, पढ़ाई भी करनी है वो भी स्क्रीन पे। तो जो इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज थी सब स्क्रीन पे डिपेंडेंसी हो गई थी। तो उस टाइम पे एक रेडियो ने, एक हमारा भी प्रोजेक्ट था ध्वनिशाला उस टाइम पे जो रेडियो में चला था CIIT का, तो उसने एक मतलब एक वरदान कह सकते हैं उस टाइम पे, बून कह सकते हैं कि उसने एक बहुत अच्छा अपना वो निभाया कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हुआ। तो रेडियो से एक ये बहुत ज्यादा अच्छा फायदा है कि स्क्रीन कम करके हम बच्चे उसको समझ सकते हैं, और बाकी की चीजों में जैसे एडवर्टाइजमेंट भी आएंगे अगर टीवी है तो, और बाकी चीजों में अलग चीजों में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो रेडियो का ये अपना एक फायदा है। हाँ, ये फायदा है। एट द सेम टाइम ये भी हम में से हर कोई जानता है कि कोविड टाइम के अंदर बच्चों में स्पेशली आंखों की समस्या बहुत हो गई थी। आंखों की समस्या बहुत हो गई थी, और उस समय जो डेटा है हमारे पास वो ये बताते हैं कि बहुत लोग, क्योंकि ध्वनिशाला नाम का एक कार्यक्रम चल रहा था, तो और ये आपका करिकुलम बेस्ड ये कार्यक्रम था, टेक्स्ट को लेकर के पढ़ाया करते थे रेडियो में। तो बाद में पता चला बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ कि लोगों ने रेडियो प्रोग्राम सुनना शुरू किया। तो इट इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रेडियो। आइए अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड में इस समय, और आज के मुख्य विषय की ओर अब हम आएंगे। और इस समय नेक्स्ट ईयर चलेंगे इस समय जी। अब यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, ऑलरेडी समय काफी हो गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग। अगर आकाशवाणी के आसपास से आप निकलेंगे, ऑल इंडिया रेडियो, या अगर आप नोएडा की ओर जाते हैं जहां पर कि FM है, तो वहां पर आप देखेंगे कि इस तरह का आप टॉप लेफ्ट में इस समय आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा टावर है। और ये जो टावर है बेसिकली ये आपका ब्रॉडकास्टिंग टावर है, एंटीना इसको हम कहेंगे। इसके थ्रू जो रेडियो की वेव्स हैं वो थ्रो की जाती है, मैग्नेटिक वेव्स हैं। तो टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग हम इसको कहते हैं, ये टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग है जिसमें एंटीना पर हम डिपेंड करते हैं। तो इस समय CIIT NCERT के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं। CIIT NCERT के टोटल अभी जो हम अपने रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, AIR के 132 चैनल्स हैं, और हमारे पास कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है 255, और ज्ञानवाणी स्टेशन है 11। तो अराउंड 400 स्टेशन है जिनको हम अपने प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट जिनसे हम अपने प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और ये टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग है जी। एक और तरीका है जो कि अभी हम इंटरनेट आई रेडियो के रूम से ही बोल रहे हैं आप लोगों से, तो एक इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग आजकल काफी पॉपुलर हो गया। टेरेस्ट्रियल जो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें ये है कि इसकी एक रेंज होती है, बहुत दूर तक हम नहीं जा सकते हैं, जा भी सकते हैं। लेकिन इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग में एक फायदा है दैट इट कैन बी एक्सेस्ड ग्लोबली, ये पूरे संसार में कहीं भी देखा जा सकता है अगर उनके पास लिंक है तो इंटरनेट होना चाहिए। हाँ, इंटरनेट होना चाहिए। तो ये तीन प्रकार की ब्रॉडकास्टिंग है, टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग, और ऐप बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग भी आजकल हम मतलब सुन सकते हैं। बहुत सारे ऐप हैं जिससे बहुत सारे स्टेशन को हम सुन सकते हैं।
आगे चलते हैं इस समय, और अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक पर कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉडकास्टिंग। इट इज अ मस्ट आस्क क्वेश्चन, इस सवाल को पूछना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं जी। जैसे कि नाम से पता है, ब्रॉड मींस वाइड है और कास्ट मींस टू पुट, तो किसी भी एक वाइड एरिया में स्क्रीन, किसी भी एक वाइड एरिया में मैग्नेटिक सिग्नल्स को पहुंचाना, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, ये तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना, और कास्टिंग मतलब डालना होता है। जैसे बोलते हैं कि कास्ट द नेट, यानी कि जाल डालिए, मछुआरे इस टर्म को यूज करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग यदि हम बोलते हैं तो व्हेन वी कवर अ वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया, अगर बहुत दूर से अगर हम बोल रहे हैं, मान लिया इस समय आपको एक एग्जांपल देते हैं कि एक समय था जैसे मान लिया कि बीबीसी लंदन, बीबीसी से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है एंड यू आर लिसनिंग टू द प्रोग्राम, एंड यू आर लिसनिंग टू द प्रोग्राम मे बी इन आसाम, यू आर लिसनिंग टू द प्रोग्राम मे बी इन श्रीलंका, पंजाब और गुजरात में, राजस्थान में आप सुन रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं लंदन से, है ना, तो बोलेगा हेलो, आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम करते हैं आज के इस प्रसारण में, और साउमीन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमारे ब्रॉडकास्टिंग को, आपने हमको ट्यून किया है। मैं हूं अजीत होरो और मैं हूं विमलेश, और इस समय हम आपके सामने पेश करेंगे विश्व समाचार, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आसाम से भी और राजस्थान से भी, पंजाब से भी आप हमसे खतों की दावत करते हैं, और नहीं अभी हम स्क्रीन में नहीं है, अभी हम स्क्रीन में नहीं है जी। तो जब हम बहुत दूरी को जब हम क्रॉस करते हैं, लंदन से बोल रहे हैं लेकिन सुनाई कहाँ पर पड़ रहा है, राजस्थान में, लंदन से बोल रहे हैं लेकिन कहाँ सुनाई पड़ रहा है, पंजाब, हाँ पंजाब में, तो बहुत बड़ा लैंड मास है जिसको हमने कवर किया। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक वेव्स आर पुट ऑन अ वेरी वास्ट, आई मस्ट से द ज्योग्राफिकल एरिया, इट इज कॉल्ड द ब्रॉडकास्टिंग, ये है ब्रॉडकास्टिंग। आगे चलते हैं, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। नेक्स्ट, और ये है नैरोकास्ट। हाँ, इसके जस्ट अपोजिट है नैरोकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में एक वाइड एरिया होता है, नैरोकास्टिंग में एक छोटा एरिया होता है, और इस नैरोकास्टिंग में हम एक ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो थोड़ा सा स्पेस कम होता है, नैरो होता है, कन्फाइंड होता है, यस। और इनमें हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को ले सकते हैं, जो हमारे एफ एम स्टेशन हैं उनको हम नैरोकास्टिंग में मान सकते हैं कि नैरोकास्ट है उनका जो एरिया है, एक स्पेसिफिक एरिया है, और उनका जो टारगेट ग्रुप है, जो हमारा जो है वो भी एक स्पेसिफिक होता है, और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारा टारगेट ग्रुप है, जो वहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है वाटर की प्रॉब्लम हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो, तो वो हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से उनके साथ डील करते हैं। तो ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी एक नैरोकास्टिंग का ही एग्जाम्पल है। हाँ, जी सर, तो ब्रॉडकास्ट हमने जान लिया और नैरोकास्टिंग भी हमने जान ली। शहरों के अंदर जितने ये हैं, जितने एफएम स्टेशन हैं, वो एग्जांपल हैं आपका नैरोकास्ट के। तो आगे चलते हैं इस समय, और अब आज के मेन कंटेंट में हम आते हैं, एंड वी आर कमिंग टू द कंटेंट ऑफ द फॉर्मेट्स ऑफ द रेडियो प्रोग्राम। तो व्हाट आर द फॉर्मेट्स ऑफ द रेडियो प्रोग्राम, व्हाट डू यू मीन बाय द फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के बारे में यदि हम बातचीत करेंगे तो फॉर्मेट का मतलब यह है कि बेसिकली द स्टाइल or the methodology in which a program is going to be produced. There is an international grammar. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रामर है जिसके हिसाब से हम रेडियो के जो प्रोग्राम है उनके एक अलग अलग स्टाइल होते हैं, उसके हिसाब से हम बनाते हैं। तो what do you mean by the documentary? सबसे पहला आज का जो फॉर्मेट आएगा उसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ड्रामा हम लोग करते हैं कि अब राइट, थैंक यू वेरी मच। इस समय देखेंगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसा कि शुरू में आप लोगों को बताया कि रेडियो है ना, रेडियो में जब हम बोलते हैं तो वी हैव नथिंग बट ओनली द वॉइस। यस, रेडियो प्रोग्राम जब बनता है तो उसका एक स्टाइल होता है, लेकिन स्टाइल को जानना बहुत ही जरूरी है। यदि स्टाइल को जानेंगे तो बहुत ही जरूरी है। तो आइए इससे पहले कि हम आगे चलें भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो शी इज द आई मीन प्रोग्राम प्रोड्यूसर, शी इज द रेडियो प्रोग्राम प्रोड्यूसर एंड आई एम आस्किंग हर, तो आप रेडियो प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं जी सर, तो आप क्या प्रोड्यूस करते हैं? सर, मैं रेडियो प्रोग्राम प्रोड्यूस करती हूँ। नहीं, वो तो आपके पोस्ट से ही जाहिर है कि आप रेडियो प्रोग्राम आप इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं आप? सर मैं ऑडियो प्रोग्राम प्रोड्यूस करती हूँ। अभी आपने बोला रेडियो प्रोग्राम, अभी आप बोल रही हैं ऑडियो प्रोग्राम, तो ये तो दोनों एक हुआ। नहीं, मतलब प्रोग्राम में क्या आप प्रोड्यूस करते हैं, व्हाट डू यू प्रोड्यूस इन अ प्रोग्राम? प्रोग्राम तो ठीक है, ऑडियो प्रोग्राम इज ओके, रेडियो प्रोग्राम इज ओके, बट व्हाट डू यू प्रोड्यूस, मतलब आपने मुझको कंफ्यूज कर दिया, ओवरऑल कंफ्यूजन। प्रोग्राम कैन बी लिसन सर,
अच्छा कैन बी लिसन टू, अच्छा नहीं तो ऑडियो है तो सुने सुने ही तो जाएगा ना जी। तो फिर कोई फॉर्मेट के बारे में अगर कोई आइडिया, किस फॉर्मेट में बनाते हैं? सर मैं रेडियो प्रोग्राम बनाती हूँ सर। अच्छा मतलब फॉर्मेट का आइडिया नहीं है? अच्छा अच्छा सिंग डॉक्यूमेंट्री। हाँ डॉक्यूमेंट्री जी हाँ, यहाँ पर आप लोग आ गए राइट। इट्स एन अमेजिंग सेशन, फीलिंग लाइक आई एम वॉचिंग लाइव रेडियो सेशन राइट। थैंक यू वेरी मच, आगे चलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा इस समय। तो अब हम बातचीत करेंगे कि तो आपने आपने ये कहा कि आप रेडियो प्रोग्राम बनाते हैं और आपने ये भी कहा कि आप ऑडियो प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो लेकिन कुछ फॉर्मेट के बारे में बातचीत करें हम लोग। जी बिल्कुल, तो फॉर्मेट के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो दोस्तों इस समय आइए देखते हैं सबसे पहला रेडियो प्रोग्राम का फॉर्मेट एंड द टाइटल इज रेडियो डॉक्यूमेंट्री। रेडियो डॉक्यूमेंट्री, इस समय आपको बता दें कि ये जस्ट एक अभिनय था, एक ड्रामा था। आप बहुत अच्छी यानी प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही निष्णात हैं, है ना, और आपके बहुत सारे कार्यक्रमों को यानी अवार्ड भी मिला है। तो इस समय हम यहाँ पर आना चाहते हैं। तो साथियों हम ये बोल रहे थे कि हालत ऐसी ना हो कि जब पूछें आप क्या बनाते हैं तो आपके पास उत्तर ही ना हो, हाँ जी रेडियो प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना। तो हाँ हम क्या बनाते हैं, तो हम में से हर एक को कुछ बातों को लेकर के श्योर होना चाहिए, वी प्रोड्यूस द प्रोग्राम इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो आइए इस समय आते हैं सबसे पहला फॉर्मेट एंड दैट इज कॉल्ड द रेडियो डॉक्यूमेंट्री। रेडियो डॉक्यूमेंट्री के बारे में इस समय थोड़ी बातचीत करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो डॉक्यूमेंट्री, थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। रेडियो डॉक्यूमेंट्री जैसा कि नाम से पता चलता है, इट इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स। अच्छा डॉक्यूमेंट मतलब क्या, कागज का टुकड़ा? ये सर कागज का पेपर हो सकता है कि जो मतलब ऑथेंटिक पेपर हो, कोई ऐसा कागज नहीं कि जो मतलब कोई ऑथेंटिसिटी ना हो जिसकी, जैसे कि हम एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं, एक ही ऑडियो भी हो सकता है। नहीं सिर्फ ये, हाँ यही मैं पूछना चाहता था। नहीं नहीं क्या मात्र नहीं, जैसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट लाए हो जी, नहीं, नहीं, हाँ जी लाए हैं, तो फिर हम पेपर दिखा देते हैं जी। तो क्या डॉक्यूमेंट सिर्फ कागज होता है? नहीं नहीं नहीं, ये कागज नहीं, ये ऑडियो भी हो सकता है, ये एक वीडियो भी हो सकता है। अच्छा अच्छा जी। और इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा टैबलेट्स भी हो सकते हैं, और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्लाइड में देख रहे हैं कि एक न्यूज़पेपर का ये है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हम वहां से ले सकते हैं। हाँ ये बहुत ही हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन है टाइम्स ऑफ इंडिया, और ये 15 अगस्त 1947 का ये समाचार पत्र है, और यहाँ पर लिखा है बर्थ ऑफ इंडिया फ्रीडम, है ना, यानी भारत स्वतंत्र हुआ। तो ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। जब हम कहीं पर जाते हैं शिलालेख है, ओके शिलालेख हो सकते हैं, या तो मैन्युस्क्रिप्ट हो सकता है, इंस्क्रिप्शन हो सकता है, पत्थरों पर लिखा हुआ हो सकता है, पुराने लेटर्स हो सकते हैं किसी के, डायरीज हो सकते हैं, आपने एन फ्रैंक की डायरी के बारे में सुना होगा, एन फ्रैंक है ना। अच्छा फोटोज भी हो सकते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्री। तो डॉक्यूमेंट्री को प्रोड्यूस करने का क्या तरीका है, मतलब क्या हमको करना चाहिए? एक्चुअली ये पहले जैसा कि पता है कि ये फैक्ट पे बेस्ड है, तो हम इसको फैक्ट बेस्ड ही होती है ओनली, इसमें हम फिक्शन ऐड नहीं कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। तो और अगर हम आर्टिस्ट की बात करें डॉक्यूमेंट्री में, तो इसमें एक या दो आर्टिस्ट हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमें इसमें कोई ड्रामा तो दिखाना नहीं है। हाँ। हमारे पास बस एक नरेशन है और उससे रिलेटेड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आर्टिस्ट का इसमें स्कोप नहीं होता है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स होंगे। अच्छा है, वी आर स्पीकिंग लाइक रेडियो जॉकी, गुड। आगे चलते हैं, देखिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामे में चलेंगे इस समय, हल्का सा अभिनय, अभिनय के द्वारा हम ज्यादा समझ जाते हैं ना। तो आइए इस समय बात करते हैं, एज्यूम करते हैं अभी नाउ शी इज द इंचार्ज ऑफ द रेडियो यूनिट। तो अभी जैसे मैं अपने रूम में बैठा हूँ, मैं आगे अपने रूम में बैठा हूँ आराम से, मैं एंड आई एम हैविंग द आई एम स्लीपिंग अ गुड टी, है ना, इस समय चाय पी रहा हूं मैं। और अब देखिए क्या होता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो हेलो अजी सर। हाँ 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 जी मैम जी जी। सर आप मेरे कमरे में आएंगे थोड़ी देर के लिए, काम था। अच्छा तो मैं अगर 5 मिनट के अंदर आ जाऊँ? थोड़ा अर्जेंट है सर, तो थोड़ा जल्दी आ जाइए। अच्छा ओके ओके, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। जी मैम जी, हैव अ सीट सर। हाँ थैंक यू सर। आपको ना एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है सर। डॉक्यूमेंट्री बनानी है? ओके डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो किस पर? आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी है जलियांवाला बाग पे। जलियांवाला बाग पर, ओके। तो कोई टाइम फ्रेम है इसका कि कब तक इसको प्रोड्यूस करना है? आपके पास सिर्फ 2 दिन है और ये मिनिस्ट्री का अर्जेंट प्रोजेक्ट है, तो सर आपको 2 दिन में ही प्रोड्यूस करनी है। मात्र 2 दिन? हाँ, you have only 2 days. आपने उनको हाँ तो नहीं बोल दिया सर? वो अर्जेंट है तो आपको 2 दिन में तो
नहीं, लेकिन मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ मैम. आप तो जानते हैं मतलब हमको कन्विंस करना चाहिए कि दो दिन के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री इतनी आसानी से नहीं बनेगी. या तो मेरी तैयारी पहले से होती तो व्हाट आई नीड टू डू दैट आई विल गो टू ऑल इंडिया रेडियो. यस, फॉर द रिसर्च पर्पस. रिसर्च करना है मुझको, देखना. अगर आप जलियांवाला बाग यदि आप बोल रहे हैं तो ओके. तो अगर आप जलियांवाला बाग बोल रहे हैं तो फिर मुझको जलियांवाला बाग के लिए एक तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन कौन से लोग थे. तो याद करता हूँ मैं, लाला लाजपत राय, डॉक्टर किचलू, ओके, और जिसने वहां पर गोलीबारी का आदेश दिया था, हाँ, जनरल डायर थे, है ना. तो इन बातों को देखना पड़ेगा. तो आई थिंक आई विल गो. आपने यदि बोला है तो सबसे पहले मुझको जाना पड़ेगा आकाशवाणी, वहां मैं कुछ साउंड बाइट लेकर के आता हूँ. एट द सेम टाइम कुछ लाइब्रेरी में भी जाना पड़ेगा ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन और हो जाए. दो दिन तो रिसर्च में लगते हैं. सर, आई कैन अंडरस्टैंड सर. तो कैन यू रिक्वेस्ट देम काइंडली कि मुझको कम से कम 4 या 5 दिन दे दें. जी सर, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर. इसके अलावा शायद आपको हो सकता है वहाँ का म्यूजिक भी कलेक्ट करना. हाँ, म्यूजिक भी चाहिए होगा क्योंकि उस समय का म्यूजिक तो कुछ और बिल्कुल, था. बिल्कुल बिल्कुल. अब मैं गिटार तो नहीं यूज कर सकता ना, या मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बजा सकता. देखना पड़ेगा कि उन दिनों किस प्रकार का म्यूजिक जो था वो प्रेवेलेंट था. ये भी देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जगह पे कौन सा म्यूजिक. और इस समय क्योंकि हमारे पंजाब के डियर वंस इस समय सुन रहे हैं, तो जो जलियांवाला बाग है वो तो पंजाब में ही है. तो हमको ये भी रिसर्च करना पड़ेगा, कोई वेस्टर्न म्यूजिक हम नहीं लगा सकते जो वहां की म्यूजिक है. मेरे लिए उस दिन बैसाखी का दिन था. तो बैसाखी के दिन पर यदि हम आते हैं तो हमको किस प्रकार से बातों को करना चाहिए. ये सारी बातें जब मिल जाएंगी ना मैम, तब ये एक डॉक्यूमेंट्री बनेगा. तो कैन यू रिक्वेस्ट देम. बिल्कुल सर, श्योर. अगर आप उनको रिक्वेस्ट कर दें कि कम से कम 5 दिन, तो 5 दिन के अंदर हम बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं. जी सर, वो 5 दिन भी मतलब एक मुझे लगता है कि बहुत ही आपको बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे. बहुत टाइट हो जाएंगे, बहुत टाइट हो जाएंगे. यस, एक डॉक्यूमेंट्री है वो भी 5 मिनट की आप प्रोड्यूस कर पाएंगे. क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री के लिए जैसा कि सर ने बताया, सर को हो सकता है आर्काइव्स जाना पड़े, बुक से स्टडी, हो सकता है इमीडिएटली ना मिले. यस, हमको परमिशन भी तो लेनी, परमिशन भी लेनी पड़ती है. और साउंड इफेक्ट्स भी कलेक्ट करने पड़ेंगे. उस टाइम में कौन सी गन यूज होती थी, उसका साउंड इफेक्ट्स कैसा होता है. जैसे जलियांवाला बाग में जो गन उन्होंने यूज किया, आज का AK-47 तो नहीं था, है ना. बिल्कुल. तो ये AK-47 तो नहीं था, या स्टेन गन तो नहीं थी. 303 उस टाइम पे जो, उस समय उन्होंने 303 यूज किया. यूं करके करते थे ना, ऐसे करके बुलेट को लोड करके. यस, तो हमको वाला साउंड इफेक्ट चाहिए. अब तरतर तरतर चला दिया तो वो तो आपका स्टेन गन तो थी नहीं. बिल्कुल. तो एग्जैक्टली हमको देखना पड़ेगा किस प्रकार का, है ना, किस प्रकार के हथियार थे वहां पर, म्यूजिक कौन सी होगी. क्योंकि ब्रिटिश आर्मी इज कमिंग मार्चिंग, तो वहां पर जो ड्रम होगा वो तो होगा ही. बट एट द सेम टाइम मुझको एक बात और देखनी पड़ेगी. हाँ, मार्चिंग, जो मार्चिंग म्यूजिक है वो भी डालना पड़ेगा. एट द सेम टाइम एक काम और करना पड़ेगा. अब म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए आई मे हैव टू कॉन्टेक्ट अ गुड म्यूजिक कंपोजर, जिसके पास अच्छा रिसर्च है. तो मैं बात करूंगा, भैया आइए, लेट अस सिट ओवर अ कप ऑफ कॉफी एंड वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक कैन बी प्रोड्यूस, किस प्रकार का संगीत वहां पर होगा. तो वी विल सिट टूगेदर, we will talk together and we will arrive upon a conclusion ki ye music chahiye, then recording hogi, aur phir finally documentary banegi. To documentary ke bare mein agar main aisa kahun, ye humko imaginary flight ki anumati nahi deta. Acha laga ji to humne banaya, aisa nahi hai na. Actually fiction ki yahan par koi gunjayish nahi hai. So this is documentary. Lekin documentary mein ek baat aur hoti hai. Acha, iske presentation ka जो मोड है वो क्या होता है. इसमें मेल और फीमेल हो सकते हैं, जैसे भी मैंने बताया ज्यादा से ज्यादा 2 आर्टिस्ट हो सकते हैं. एक बात याद रखिएगा, बीच में रोकता हूँ कि जब भी ऐसा बनाएंगे तो मेल फीमेल दोनों का होना बहुत अच्छा होता है. अच्छा होता है. इंटरनेशनली ये एक एक्लेम्ड एक आपका स्टाइल है, क्योंकि दोनों जो वॉइस वर्सा बोलते हैं अच्छा लगता है. जी हाँ, आगे बोले. तो वन वॉइस मोनोटोनस लग सकती है, तो इसके दो ट्राई कीजिए कि 2 वॉइसेस रख लीजिए, मेल फीमेल, तो उसमें आपको वेरिएशन सुनने को मिल जाएगा. जी जी. और इसके अलावा मैं साथ साथ ही डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ एक बहुत ही जुड़ा हुआ फॉर्मेट है, डॉक्यू ड्रामा. हाँ, डॉक्यू ड्रामा. यस, तो डॉक्यू ड्रामा. ड्रामा, अच्छा, ओके ओके. दैट इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट प्लस ड्रामा. लेकिन जो ड्रामा है वो भी आपका फैक्ट पे बेस्ड है. हम उस टाइम का, उस जगह का, उस पर्टिकुलर सिचुएशन का जो हम ड्रामा क्रिएट करते हैं वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स है. लेकिन क्या है कि हम उसको थ्रू कैरेक्टर्स, थ्रू नॉट रियल कैरेक्टर्स, थ्रू इमेज, थ्रू आपने जो नए कैरेक्टर्स हैं उनको आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनके थ्रू वो जो ड्रामा कराते हैं, तो वो आपका डॉक्यू ड्रामा होता है. जैसे कि विद डॉक्यूमेंट आप एक ड्रामा प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये डॉक्यू ड्रामा है. जी सर. हाँ, ये डॉकी ड्रामा है. जैसे कि अभी कैसे होगा, देखिए, डॉकी ड्रामा का एक हल्का सा आपको एग्जांपल देते हैं.
जलियांवाला बाग ही ले लेते हैं, ओके तो यहाँ पर ये लेते हैं। तो नमस्कार श्रोताओं, सीआईटी एनसीईआरटी के आज के इस प्रसारण में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ अजीत होरो और मैं हूँ विमलेश चौधरी। तो हाँ, तो श्रोताओं, आज आपकी आपकी खिदमत में आज जो कार्यक्रम हम लेकर के आ रहे हैं वो है जलियांवाला बाग। आप में से हर कोई जानता है जलियांवाला बाग के बारे में, और इस समय एक खास बात आपसे हम करेंगे। आइए इस समय आज के कार्यक्रम की ओर चलते हैं। यहाँ पर म्यूजिक आया, म्यूजिक आने के बाद फिर हम यहाँ पर स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो श्रोताओं, वो दिन था बैसाखी का, जलियांवाला बाग में भीड़ बढ़ती जा रही थी। गर्मी का समय था लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही थी, और आपको इस समय आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जलियांवाला बाग में मात्र एक दरवाजा था, एक दरवाजा मात्र, और वहीं से सारी भीड़ अंदर घुसती चली जा रही थी। सारा जो क्राउड था, सारी जो भीड़ थी, एक्साइटेड थी बिल्कुल सुनने के लिए कि राष्ट्रीय नेता जो आकर के बातचीत कर रहे हैं स्वतंत्रता के लिए वो क्या कहेंगे। भीड़ का एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे भीड़ बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गई और लाला लाजपत राय वहां पर थे, दरवाजा मात्र एक था, और तब लोग वहां पर सुन रहे थे और वहां पर संदेश चल रहा था। यहां तक जैसे बोला, हल्की सी म्यूजिक आएगी, ओके, हल्की म्यूजिक आएगी, देन द साउंड ऑफ द बूट्स, हाँ, भीड़ का साउंड इफेक्ट, बूट्स के साउंड इफेक्ट्स, बहुत सारा स्कोप है आपके पास इसमें ऐड करने का। ठक 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 घंटे डेंग, है ना, ये आपकी म्यूजिक आ गई। अब म्यूजिक जैसे आ गई, है ना, हाँ, आप लोग को डर लग रहा है, गुड, घंटे डेंग, है ना, उसके एकदम बूट की आवाज, है ना, टक 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 टक, है ना, आ रही, और ये साउंड इफेक्ट है एक्चुअली आर्मी के बूट्स का साउंड इफेक्ट आपको वेबसाइट में मिल जाता है ना, वो वहां पर डालना है। अच्छा, वहां पर जैसे आया उसके बाद एकदम यहाँ पर शुरू में मैंने नरेशन लिया मे बी इन मेल और मेल और फीमेल बोथ, लेकिन अब आएंगे ड्रामा में। ओ, इनकी ये हिम्मत, अब मैं जनरल डायर का रोल कर रहा हूं, इनकी ये हिम्मत, हमने सारे शहर में ये अनाउंस करवा दिया था कि कोई इस तरह से जमा नहीं होगा, लेकिन आज इनकी ये हिम्मत, इनको छोड़ूंगा नहीं, आई विल गिव देम अ गुड लेसन, आज एक अच्छा पाठ इनको पढ़ाएंगे, है ना, इस तरह का कुछ बोलेगा। और जैसा उसने बोला, फायर, है ना, उसके जो गन की आवाज है वो वहां पर आएगी, सब कुछ होगा, और बीच में अच्छा फायर की आवाज आई, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आई, रोने की आवाज आई, आपका फेड इन हुआ, है ना, दूसरा सीन आ रहा है। और श्रोताओं, आपको हम ये बता दें, जब जनरल डायर ने फायरिंग के आदेश दिए, भीड़ में भगदड़ मच गई, लोग यहां वहां भागने लगे, और भाग करके सिर्फ एक ही जगह थी जो कि उनको मिली बचने के लिए, और वो जगह थी एक दरवाजा जहां से शायद वो बाहर निकल सकते थे, और एट द सेम टाइम जो दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक कुआं के, क्योंकि जलियांवाला बाग में कुआं भी एकमात्र था। बहुत लोग वहां पर कूद गए और वो कुआं लाशों से पट गया, पूरा जलियांवाला बाग, वहां की मिट्टी लहूलुहान हो गई थी। और आज आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं कि जब भी हम वहां पर जाएं, जलियांवाला बाग में जब भी जाएं, इस मंजर को हमेशा याद कीजिएगा, कि वो मंजर क्या था, कितने लोगों ने वहां पर आंसू बहाए होंगे, मौत का तांडव वहां पर था। तो आइए चलते हैं आज के अगले कार्यक्रम में। बिल्कुल। सो दिस इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट, हाँ, दिस इज कॉल्ड द डॉकी ड्रामा। शुरू में डॉक्यू हुआ, ड्रामा फिर हुआ, अभी देखिए मैं डॉक्यू करता हूँ, आप फिर ड्रामा करना, ओके, डॉक्यू कर रहे हैं। श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के इस कार्यक्रम को आपने ट्यून किया, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और आज हम आपसे चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग की। ये हो गया डॉक्यू, है ना, अब ड्रामा होगा, कि ड्रामा इस समय करते हैं, कि इस समय ड्रामा में ये देखेंगे। और वो दिन था बैसाखी का दिन, एक महिला थी जो कि गेट में खड़ी थी, और वो बहुत समय से वो अंदर आने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जो भीड़ थी वो उसको अंदर आने नहीं दे रही थी। आइए सुनते हैं। हटो हटो हटो, मुझे जाना है अंदर, मुझे अंदर जाना है, मुझे हट जाओ, इनको जाने दो, आपका बहन जी को जाने दो, जाने दो, हाँ, आइए, ओके। सो डॉक्यू हमने किया और आपने ड्रामा किया, है ना, डॉक्यू और ड्रामा। सो जब दोनों चीजें मिल जाती है तो डॉकी ड्रामा हो जाता है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट फॉर्मेट, आज क्योंकि टाइम हो गया था इससे अब हम लोग को तेज दौड़ना पड़ा, है ना, आज हम भागेंगे जी। अब बहुत बढ़िया जगह पर आ गए, है ना, एंड दिस इज कॉल्ड द रेडियो मैगजीन। तो विमलेश जी, इस समय आप सबसे ऊपर क्या देखती हैं? मैं एक सर बुक देख रही हूँ, यहाँ पे मैगजीन कह सकते हैं, हाँ, भी हो सकती है, हाँ जी सर, ये बुक भी हो सकती है, ये मैगजीन भी हो सकती है। इसके पन्ने, इसके पन्नों पर कोई टिप्पणी करेंगे आप? हाँ जी, इसके पन्ने यदि खुले हुए है ना, बिल्कुल जी सर। तो रेडियो मैगजीन क्या है, रेडियो मैगजीन क्या है, इसके बारे में इस समय बातचीत करते हैं। तो आप सबको जानते हैं अजीजों कि
मैगजीन क्या होती है जी? एज्यूम करते हैं कि ये एक मैगजीन है, जो हाथ में आया वही मैंने पकड़ लिया है ना, ये एक मैगजीन है, स्कूल मैगजीन है। ओके, ये स्कूल मैगजीन है। तो अब हम दोनों देखते हैं, हम दोनों स्टूडेंट हैं, हम दोनों स्टूडेंट हैं, और अब क्या हो रहा है कि हाँ हम दोनों स्टूडेंट हैं और स्कूल की मैगजीन छप के आई है। बिल्कुल अच्छी मैगजीन है ना, बहुत सुंदर सर। लेकिन जो काम मैं सबसे पहले करता हूँ वो तो करूंगा, जो मैं अपने नई पाठ्य पुस्तकों के साथ भी करता था, इसको बढ़िया स्मेल है ना, सूंघ करके देखते हैं ना, अक्सर किताबों को सूंघने की हम लोग की आदत थी। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा इसको अगर हम ऐसा रखेंगे तो ये क्या है? ये कवर पेज है। अच्छा, कवर पेज है, वंडरफुल है। अब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि स्कूल बिल्डिंग की फोटो है ना, स्कूल बिल्डिंग की फोटो। ओके ओके, हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा खींचा है, नाइस। ओके, लेकिन इसको तो डेली देखते हैं, ये तो डेली देखते हैं, तो थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आगे जब पलट करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर सर ये तो एक एडिटोरियल एडिटोरियल है ना। अच्छा, एडिटोरियल है मतलब आपका जो कवर पेज है वहां पर हमको मिला स्कूल की बिल्डिंग की फोटो, और यहाँ पर कवर पे यहाँ पर एडिटोरियल जी सर, प्रिंसिपल साहब ने लिखा है गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्वयं सेवी प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन कुछ और अगर हल्का होता तो अच्छा होता है ना, क्योंकि ऑडियो में तो यही बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि भाषा बड़ी सुगम होनी चाहिए, है ना। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा ये आपका टंग ट्विस्टर है, थोड़ा सा पढ़ के देखिए, स्वयंसेवी प्रबंधन प्रणाली, हाँ सामुदायिक कुछ कुछ नहीं, लेकिन अच्छा ही होगा, अच्छा है ना, अच्छा। ओके, तो लेट अस चेंज द आई मीन पेज, इसे बदलते हैं। यहाँ पर क्या है विमलेश? वाओ सर, इट्स अ ग्रेट स्टोरी, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी है ना, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। बट आप मुझको सरप्राइज में रखे हुए थे उस दिन, है ना। उस दिन याद है मैंने पूछा था कि आप वो चुपचाप से डेस्क में क्या लिख रहे हैं जी, आपने बताया नहीं नहीं यूं ही होमवर्क हो रहा है, लेकिन बाद में मुझको शीलू ने बताया, उसने मुझको ये बताया कि आप स्कूल मैगजीन की कहानी लिख रहे थे, यहाँ पर आपका नाम भी है ना, यहाँ पर आपका नाम भी है, राइट। बड़ा अच्छा लिखा है, बड़ी अच्छी कहानी है ना, गुड गुड, बधाई हो, बहुत अच्छा आप लिखती हैं। आगे चलते हैं, इस समय देखते हैं यहाँ पर क्या, ये तो एक कविता है, ये तो एक कविता है। ओके, तो अब हम इसको आपका कंक्लूड करते हैं। आपने नोट किया होगा जैसे जैसे पेज पलटते गए वैसे वैसे कंटेंट चेंज होता गया, कंटेंट चेंज होता गया, जैसे जैसे पेज बदलता गया विषय वस्तु भी बदलती गई, राइट। तो एक मैगजीन का मतलब ये होता है ना, मैगजीन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ है, वहां पर कुछ है, यहाँ पर कुछ और है। अब इसी का एक रेडियो प्रेजेंटेशन आपको देते हैं ना, आइए समय, ये तो एक मैगजीन की बात हुई, तो रेडियो मैगजीन हम किसको कहेंगे? रेडियो मैगजीन सर जिसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स हो, एक डिफरेंट फॉर्मेट्स का एक कॉम्बिनेशन है, जैसा कि अभी सर ने बताया कि इसमें एक स्टोरी भी हो सकती है, एक पोएट्री भी हो सकती है, कुछ सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, तो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स को जब हम कॉम्बिनेशन में करते हैं दैट इज रेडियो मैगजीन, हाँ दैट इज रेडियो मैगजीन। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं जी, जब प्रोड्यूस करेंगे तो कैसे करेंगे। श्रोताओं नमस्कार, आज के इस प्रसारण में आप सबों का हार्दिक 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 स्वागत है, सबका खैर मकदम, हम आपका इस्तकबाल करते हैं आज के इस प्रसारण के अंदर। और आज जैसा कि आप जानते हैं आज है दिन बुधवार का, और बुधवार के दिन हम रेडियो पत्रिका लेकर के आते हैं जी, रेडियो मैगजीन को हम रेडियो पत्रिका भी बोलते हैं। ओके, हम रेडियो पत्रिका को लेकर के आते हैं, तो आइए देखते हैं आज की पत्रिका के पन्नों में क्या क्या हमारे लिए छिपा है, क्या क्या हमारे लिए छिपा है, हमारे स्टोर में क्या क्या है आपको देने के लिए। तो अच्छा, मैं इस समय ऑनलाइन बात कर रहा हूँ। ओके, अभी हम ऑनलाइन बात करें, जैसे माइक है, ये माइक मान लीजिए, अभी तो माउस है ये, लेकिन इसको मान लीजिए कि माइक्रोफोन है, तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो श्रोताओ आइए चलते हैं आज के अगले कार्यक्रम में, और आज सबसे पहले आपको हम चाहते हैं कि आप सुने एक बहुत अच्छा पियानो रिसाइटल, और ये जो रिसाइटल है ये है लुडविग वॉन बीथोवन का, लुडविग वॉन बीथोवन, उनके बारे में आप सबको जानते हैं कि बहुत महान वो संगीतकार थे, जर्मनी से इनका संबंध था, जर्मनी में वो पैदा हुए, और इन्होंने जितना संगीत बनाया उस संगीत के बारे में आज के दिन ये कहा जा सकता है पाश्चात्य संगीत का वो शास्त्रीय संगीत है। तो आइए सुनते हैं लुडविग वॉन बीथोवन का ये रिसाइटल, और हमने प्ले किया, यहाँ पर पियानो चल रहा है। ओके, यहाँ पर पियानो बज रहा है और लोग सुन रहे हैं, और जब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, जब ये पियानो जब समाप्त होगा तब दोबारा हम आएंगे यहाँ पर, और दोबारा हम कैसे आएंगे इस समय यहाँ पर, इस समय देखेंगे। तो आपने सुना इस समय लुडविग वॉन बीथोवन का ये पियानो वादन, बहुत ही अद्भुत अप्रतिम, लेकिन सिर्फ यहीं पर आज हम आपको रोकेंगे नहीं,
आज हम चाहते हैं कि आप और थोड़ा सा आगे चलें। अब श्रोताओं, हम चाहते हैं कि लुडविग वॉन बीथोवन के बारे एक बात आपको और बता दें। क्या आपको मालूम है कि 16 साल होते होते वो सुनने से लाचार हो चुके थे, वो सुन नहीं सकते थे। और एक दिन की बात है जब उन्होंने अपना अंतिम कार्यक्रम दिया, तो ही वॉज प्लेइंग द पियानो, वो पियानो बजा रहे थे, और पियानो जब बजा रहे थे जनता वहां पर खुशी के मारे नाच रही थी, गा रही थी, लेकिन ये कैसी विडंबना है कि वो अपने ही वादन को सुन नहीं सकते थे। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो एक महिला उसके पास आई और उसने लिख करके पूछा कि सर आप सुनते नहीं है लेकिन आप म्यूजिक को एंजॉय कैसे करते हैं। तो लुडविग वॉन बीथोवन ने लिखा, उसने ये लिखा, देयर इज म्यूजिक ऑल्सो इन द साइलेंस, खामोशी में भी संगीत है, खामोशी में भी संगीत है। तो आपने सुना लुडविग वॉन बीथोवन के बारे में, और अब आइए चलते हैं, आपको आज एक बहुत ही निष्णात रेडियो प्रोग्राम प्रोड्यूसर से मिलाते हैं, और आप जब इनकी आवाज को सुनेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और अभी हाल में ही आपको आपके कार्यक्रम के लिए आपको यानी अवार्ड मिला है, तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपने इस कार्यक्रम को कैसे बनाया और कार्यक्रम का नाम क्या था। जी सर, अभी मेरे एक कार्यक्रम था जिसका नाम था संवदिया, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला था जैसा कि सर ने अभी बताया। तो संवदिया में टेक्स्ट बुक बेस्ड कहानी है, और इसमें एक जो महिला है उसके जो इमोशंस हैं, कैसे वो संवाद और कैसे वो अपने इमोशंस को अपने संवाद पहुंचाना चाहती है अपने घर तक, वो बताया गया है। और इसमें जो विशेष ध्यान रखा मैंने कि वहाँ का जो म्यूजिक है, जो मतलब बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक कैसा होना चाहिए, जो जहाँ का वो बिलोंग करता है, जो जिस जगह से बिलोंग करती है कहानी, उस जगह का मैंने म्यूजिक ऐड किया। और जो संवाद, संवदिया का मतलब है जो संवाद लेके जाता है। आजकल का संवदिया तो मोबाइल हो गया है बिल्कुल, उस टाइम पे संवाद कैसे इमोशंस के साथ वो अपने संवाद को लेके जाता है और कैसे वो कनेक्टेड है सोसाइटी से, ये सब इस कार्यक्रम में बताया गया है। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना श्रीमती विमलेश चौधरी का ये साक्षात्कार, हम इनके साथ रूबरू अभी बातचीत कर रहे थे। आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम की अगली कड़ी में, और इस समय आपके सामने प्रस्तुत है एक बहुत ही खास भारतीय शास्त्रीय संगीत का वादन, और वादन आज हम सुनेंगे सितार में। सितार में जब हम सुनेंगे, सुनिए, एंजॉय कीजिए, जब सुनते हैं गुनगुनाइए और गाइए भी जी। तो इस कार्यक्रम के बाद, इस सितार वादन के कार्यक्रम के बाद हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। तो तब तक के लिए अजीत को और विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। और यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, दिस इज कॉल्ड द रेडियो मैगजीन। आपने देखा होगा लेयर बाय लेयर, है ना, जैसे जैसे पेज पलटते गए विषय वस्तु बदलती गई, है ना, जैसे जैसे रेडियो प्रोग्राम में हम आगे आगे की घड़ियों में चलते गए, कार्यक्रम बदलते गए, स्टाइल बदलता गया, दैट इज कॉल्ड द रेडियो डॉक्यूमेंट्री। नेक्स्ट चलते हैं, और आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग को भी अच्छा लगता है ना हम लोग को भी अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रेडियो मैगजीन में क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी अ सॉन्ग, इट कैन बी अ ड्रामा, इट कैन बी एन इंटरव्यू, इट कैन बी अ पोएम आल्सो, इट कैन बी अ स्टोरी, इट कैन बी इंस्ट्रूमेंटल, इट कैन इवन बी अ टॉक, इट कैन बी अ पैनल डिस्कशन आल्सो, एंड सो ऑन, यस, सो ऑन। सो दिस इज कॉल्ड द रेडियो मैगजीन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट फॉर्मेट एज क्विक एज पॉसिबल। जी, इसको आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे, राइट तो यहाँ पर इस समय हम विमलेश से सुनेंगे कि अगला जो फॉर्मेट है वो क्या है। वो है हमारा, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, इट्स अ रेडियो फीचर। हाँ, न्यू को हटा दीजिएगा और कुछ मिला नहीं तो हमने तो हमने डाल दिया, इट इज रेडियो फीचर। लेकिन एक हल्का सा रिकैप करते हैं, कि अभी तक हमने किस किस फॉर्मेट के बारे में बातचीत की। सर, हमने बात की डॉक्यूमेंट्री के बारे में। हाँ, हमने बात की डॉक्यू ड्रामा के बारे में, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यू ड्रामा, उसके बाद रेडियो मैगजीन की बात की। तो अभी हम बात करेंगे रेडियो फीचर के बारे में। अभी हम फीचर की बातचीत करेंगे। तो व्हाट इज अ फीचर? तो फीचर ये है, जब हम लोग किसी को देखते हैं ना सर और मैडम, जब हम लोग किसी को देखते हैं तो कुछ बातों से हम उनको फीचराइज करते हैं। जी, जैसे बोलते हैं कि नोज बड़ी शार्प है। जी बिल्कुल। बड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन है, है ना, तो दीज आर द फीचर्स, ये फीचर हैं। उसकी आईज बहुत अच्छी हैं। आईज बड़ी अच्छी हैं। अच्छा, आवाज से भी, आवाज भी फीचर होती है, हमारी आवाज ही पहचान है, बिल्कुल, अगर याद रहे आप लोग को। आगे चलते हैं, एंजॉय करना चाहिए, है ना। तो क्या बोल रहा था मैं, फीचर। हाँ, हम बात कर रहे हैं फीचर के बारे में। तो हम बहुत बार हम कुछ लोगों को एक विशेष फीचर से हम याद करते हैं। फीचर मतलब क्या हुआ, जो उस व्यक्ति का एक ऐसा गुण है जो कि सबसे ज्यादा प्रकट होता हो, जो कि सबसे ज्यादा दिखता हो। तो एक एग्जांपल आपको हम देते हैं कि जैसे फीचर का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी निकालना। अगर हम
रेडियो मैगजीन में जाएंगे या अगर हम रेडियो डॉक्यूमेंट्री में जाएंगे तो हो सकता है बहुत सारी बातों को वहां पर लेकर के आए। तो अच्छा हाँ, तो आगे चलते हैं। बहुत अच्छा लगेगा इस समय आपने से हरेक को, और वो ये है कि बहुत सारी खूबियों में से एक को क्या करके निकालना, चुन के निकालना है ना। सो दैट इज द रेडियो फीचर, रेडियो फीचर। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। गांधी जी के बारे में बोलते हैं दोस्तों, गांधी जी के बारे में बोलते हैं ही वाज ए मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, है ना, बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे वो। बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी मतलब बहुत सारे गुण थे। क्या क्या गुण थे? जैसे गांधी जी एक लेखक थे, लेखक थे। गांधी जी एक राइट टीचर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ, स्वतंत्रता के सेनानी थे। और गांधी जी एक एक संत भी थे, संत भी, है ना। अलग अलग, तो बहुत सारे व्यक्तित्व यहाँ पर आ गए। क्या क्या आया? लेखक के रूप, लेखक के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, हाँ, और संत के रूप में, सपेरे के रूप में। जी, अब आप बोलेंगे यार ये सपेरा कहाँ से आ गया, गांधी जी और सपेरा, व्हाट डू यू मीन, गांधी जी एंड एज ए स्नेक चार्मर। तो आपको बताएं, बड़े आप ये आपका एग्जांपल बड़ा अच्छा है। बहुरूप गांधी हमारी एक किताब है एनसीईआरटी की, उसके अंदर आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा। उन्होंने ये कहा कि बाय फेथ आई विल सिट एंड आई विल सिट इन द कंसंट्रेशन, मैं कंसंट्रेट करूंगा, सांप भी आएगा मुझको डसेगा नहीं, मेरे ऊपर से रेंग करके निकल जाएगा। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया, उस किताब को आप देखिएगा। तो ये तो फीचर हो गया ना जी, जी बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। तो फीचर का मतलब ये है, अगर मान लिया आपको फीचर बनाना है गांधी जी पर, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम नेट में जाएंगे, नेट में जाएंगे। तो क्या करेंगे फिर? फिर उसमें रिसर्च करेंगे कि गांधी जी के कौन कौन से पहलुओं पर हमने प्रोग्राम बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट। अब जैसे अगर बहुरूप गांधी की बात करें तो लेखक के रूप में हो सकता है बहुत सारे लोगों ने प्रोड्यूस किया, हाँ, इंटरनेट भरा पड़ा। संत के रूप में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं। लेकिन एक किताब में एक चैप्टर है गांधी जी एज अ नीलम वाला, गांधी जी नीलम वाला, ये थोड़ा सा जो है जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये उनका एक, मुझे लगता है बीइंग अ प्रोड्यूसर, मुझे लगता है कि डिफरेंट एट्रीब्यूट है उनका, तो इस पे मुझे एक प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि गांधी जी एज अ ऑक्शनियर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। हाँ, एक जैसे कार्यक्रम है, जैसे गांधी जी एज अ सेंट तो हर कोई जानता है, हर कोई जानता है ना, हर कोई जानता है। गांधी जी एज अ फ्रीडम फाइटर हर कोई जानता है, लेकिन गांधी जी एज अ स्नेक चार्मर बहुत लोग नहीं जानते, नहीं जानते। देयर इज समथिंग न्यू, गांधी जी और स्नेक चार्मर, हाँ, इसमें क्या करना चाहिए? उसका मतलब देयर इज समथिंग न्यू। और अभी जैसा अभी अभी विमलेश ने बोला, अभी अभी बोला कि गांधी जी एज एन ऑक्शनियर, नीलाम करने वाला। अरे क्या नीलाम करते थे जी, क्या ऐसा है, मतलब ऐसी क्या खास बात है? तो हम दोस्तों आपको ये बोल रहे हैं, वो सोचिए जो किसी ने नहीं सोचा, वो लिखिए जो किसी ने नहीं लिखा, है ना। नई बात को ढूंढ के लाइए, दूर की कौड़ी ढूंढ के लाइए, तब तो मजा आएगा, है ना। तो इस समय देखेंगे नीलाम वाला का क्या मतलब है। आइए, तो इस समय एक रेडियो फीचर स्टार्ट करते हैं जी। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर और हम में से हर कोई जानता है कि आज का दिन है हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी का जन्मदिन। और आज इस अवसर पर आज एक बहुत ही विशेष बहुत ही खास कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर के आए हैं, और हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर अच्छा लगेगा। आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा कि एक बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी रहे, आपने बहुत सुना होगा, अच्छे संत रहे, और उनके लिखने के बारे में एक खास बात है विमलेश, आपको याद अगर होगा कि वो कैसे लिखते थे, वो अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे, हाँ, लिख सकते थे। जब दाहिने हाथ से लिखते थे थक जाते थे तो बाएं हाथ से लिखने लगते थे। तो ओके, लेकिन आइए इस समय हम चलते हैं गांधी जी के व्यक्तित्व के एक बहुत ही विशेष क्षेत्र में, जो कि उनका व्यक्तित्व है, और आज के कार्यक्रम का शीर्षक है नीलाम वाला। तो आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर, है ना, अब देखिए ड्रामा स्टार्ट होता है। आप शुरू की भूमिका बोल दीजिए, है ना, कि बॉम्बे का मैदान सब कुछ। ये जो कहानी है, ये जो हम नीलम वाला बताने जा रहे हैं, ये एक बॉम्बे जो आजकल मुंबई है वहाँ की हम सिचुएशन बता रहे हैं आपके साथ। और वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है और गांधी जी स्वतंत्रता के बारे में अपना भाषण दे रहे हैं। ओके, अच्छा, आप लोग भी रेडी रहिए अपने अपने कीपैड को संभाल के, अगर आप लोग इस समय लिख करके रिएक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जब ये ड्रामा चलेगा तब। तो वी वांट ऑल ऑफ यू टू बी इन्वॉल्व, हम में से हर कोई इन्वॉल्व इस समय होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आइए इस समय चलते हैं बॉम्बे। बॉम्बे आपके लिए बड़ा नया सा लग रहा होगा, लेकिन जो आज की मुंबई है, लेकिन उन दिनों ये बॉम्बे के नाम से जानी जाती थी।
और वहां का एक मैदान, और उस मैदान में बहुत बड़ी भीड़ वहां पर जमा थी और सारा शहर मानो उमड़ करके आ रहा था उस मैदान में, क्योंकि उस दिन वहां पर आने वाले थे महात्मा गांधी। भीड़ की भीड़ वहां पर थी और महात्मा गांधी ने बोलना आरंभ किया, साथियों हमें देश की स्वतंत्रता के लिए अंत तक लड़ाई लड़नी है। ध्यान रखें कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, है ना। देखिए मैंने आवाज थोड़ी सी बदल दी है ना, क्योंकि उनकी आवाज बहुत डीप बेरिटोन बेस वाली वॉइस नहीं थी, उनकी आवाज हल्की सी श्रील है, तो मैंने हल्का सा बदला आवाज, गुस्ताखी भी है कि मतलब नकल कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का आएगा। इसलिए जब गांधी के रोल के लिए किसी को बुलाइए तो उसकी आवाज बिल्कुल हल्की फुल्की गांधी जी से मिलती जुलती चाहिए, मिलनी जुलनी चाहिए। हाँ, बेस वाली वॉइस आपने रख ली, बहुत ही प्रोमिनेंट जो वॉइस है वो आपने सेलेक्ट कर ली, तो वो जो आपका प्रोग्राम है वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए जो आपका कैरेक्टराइजेशन है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम होना चाहिए, कि आपका कार्यक्रम क्या है, क्या कौन सी पर्सनैलिटी है, बिल्कुल बिल्कुल, आप किस विषय पे प्रोग्राम बना रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपको आपके कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करना है, आर्टिस्ट को सेलेक्ट करना है। और गांधी जी बोलते थे तो कैसे बोलते थे, है ना, इस बात को ही जानना चाहिए जी। तो उनके बोलने का ये तरीका था। तो देशवासियों बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे, और आज हम राष्ट्र की आजादी के बारे में जो संग्राम कर रहे हैं, जो स्वाधीनता संग्राम हमारा चल रहा है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, तो आप सबों के सहयोग की जरूरत है। और जब ये बात हो गई है ना, यहाँ तक हमने बोल दिया, अब इन्हें आगे चलते हैं। और जैसे बापू ने सहयोग के लिए अपील की, बहुत सारे धनाढ्य लोग, बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे धनी लोग वहां पर आने लगे, और आने के बाद उन्होंने अपना दान, अपना पैसा, अपना योगदान वहां पर डालना शुरू किया जी। बड़े बड़े धनी लोग थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, आप इस समय कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने कितना डाला होगा। लेकिन तभी अचानक एकदम सीन बदलता है, एकदम सीन बदलता है, और आइए सीन में चलते हैं जी। हटो हटो हटो, मुझे बापूजी से मिलना है, हटो 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 हटो। अरे कौन कौन कौन, मुझे जाने दो, मुझे आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा। अरे बापूजी अभी बोल रहे हैं, इतनी भीड़ दिखाई नहीं पड़ता है, मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ देना है। शांत शांत, उस बहन को आने दो, आने दो, आने दो। हाँ जी, आप क्या बोलना, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। बापू जी हाँ, मैं ये नींबू लाई थी। नींबू, एक नींबू से क्या होगा? मैं अपना रोल बदल रहा हूँ, एक नींबू से क्या होगा, नींबू लेके आइए, यहाँ पर इतने लोग, इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर रुपया डाल रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, नींबू। बापूजी ये तो पागल है, एक नींबू लेके आए। नहीं नहीं, शांत रहें, शांत रहें, हमें इस बहन की मर्यादा को देखना चाहिए। क्या लेकर के आई हैं? एक नींबू है, ये मैं अपने बगीचे से तोड़ कर लाई हूं। हाँ, रोल मैंने बदला है ना, रोल मैंने बदला, देखेंगे। नींबू तो ये अगर देश के कुछ काम आ सके बापू जी। देश के काम, ये देश के काम में क्या काम आएगा? शांत रहिए, शांत रहिए। हाँ हाँ, एक नींबू देश के काम कैसे आएगा? शांत रहिए, शांत रहिए। मैं सबसे इस समय कहना चाहता हूं, आपने इस बहन की इच्छा को देखा, आप एक बात बताएंगे इस समय कि ये नींबू आप कहाँ से लाई? मैं अपने बागीचे से तोड़ के लाई हूँ बापू जी। एक ही नींबू था? एक ही नींबू। और आप चाहती हैं कि इसका इस्तेमाल देश के काम आए? देश के काम है। तो साथियों इस समय मैं खास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि इस बहन ने अपनी घटती में से दिया है, बहुत लोगों ने अपनी बढ़ती में से दिया, दे कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम देयर अबंडेंस, बट शी हैज कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम हर पॉसिटी जी। हम इस बात का आदर करते हैं, और आइए इस समय देखते हैं कि ये नींबू किस प्रकार से देश की स्वतंत्रता संग्राम के काम आ सकता है। आइए देखते हैं, ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन, हाँ आप लोग सुनते रहिएगा, और अब रेडी हो जाइए, आप लोग को ज्वाइन करना है, 10 के ऊपर मत जाइएगा, आप लोग को सिग्नल दे रहा हूँ, हाँ 10 के ऊपर मत जाइएगा। तो नींबू मैंने हाथ में लिया, 1001, 2000, 2001, 2001, 2001, 2000, 3000 आ गया सर। यहाँ पर एक और इस समय 10000 बहुत जल्दी आ गया, थोड़ा सा अथवा क्लाइमेक्स को बना करके रखिए, और एक बार आप लोग को भी, आप लोग को भाग लेना है, रेडी रेडी रेडी। 1001, 1001, 1001, 1100, 2000, 1100, 1100, 1100,
1500, हाँ रुकेंगे इस समय, रुकेंगे एक बार ध्यान के साथ देखिए, 20,000, 20,000, 20,001, 20,001, 3,100, 3,100, बस रुक जाइए, थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 धन्यवाद, 20,000 पर हमारी बोली रुकी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय। देखिए क्या कमाल है, एक नींबू ने 20,000 क्या कर दिखाया, एक नींबू ने क्या कर दिखाया, ताली बजाइए और यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मामूली नींबू, दिस इज द फीचर, ये फीचर है। गांधी जी के बारे में बहुत अच्छा लिखते थे, गाते थे, वो तो हम बोलेंगे, लेकिन व्हाट इज न्यू, क्या एक नई बात है जो कि हाँ यस, क्या नया है, क्या अलग है, हाँ, हम बना सकते हैं, जिस पर हम कार्यक्रम बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें सोचना है, हाँ वो हमें सोचना है। तो ये है, अभी हमने बातचीत की, ये है रेडियो फीचर, दिस इज रेडियो फीचर। और इस समय आपको बताऊं कि जब उस लेडी ने, उस वृद्ध महिला ने जब अपने नींबू को जब वहां पर दिया, और जब टोटल जब बिक्री हुई, सोचिए जहां बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सब कोई है वहां पर, टोटल जो आमदनी है लास्ट में उसी नींबू से जो रेज हुआ, दैट वाज द हाईएस्ट, दैट वाज द हाईएस्ट। और यही खास बात है, यही खास बात है कि इसके द्वारा देखिए मामूली नींबू क्या कर सकता है। तो गांधी जी एज एन नीलाम वाला, गांधी जी एज एन ऑक्शनियर। आगे चलते हैं, सो दिस इज द, आई मस्ट से दिस इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर फॉर्मेट्स एंड दिस इज कॉल्ड द रेडियो फीचर। आइए आगे चलते हैं, बिल्कुल समय हो रहा है, बहुत जल्दी हम इसको कंक्लूड करेंगे, थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए थोड़ा हम लोग को समय लगा। आगे चलते हैं, ये पूरा स्लाइड आप लोग को मिल जाएगा, आगे चलते हैं, रेडियो टॉक अबाउट रेडियो टॉक यू टॉक। Yes, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं अभी, हम थ्रू रेडियो टॉक अपने जो लिसनर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं। इसमें एक प्रेजेंटर हो सकता है और इसमें हम अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाते हैं। मान लीजिए एक इंटरव्यू रख रहे हैं तो इसमें कई जो रिलेटेड टू सब्जेक्ट है, जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को इन्वाइट कर सकते हैं। और रेडियो टॉक के लिए हमें क्या करना है कि कुछ भी हमें बिल्कुल एकदम लाइव नहीं देना है। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि रेडियो टॉक से पहले रिहर्सल इज रिक्वायर्ड, कि अगर हमें कोई प्रोग्राम प्रेजेंट करना है तो एक्सपर्ट के साथ क्या वो, एक तो हमारे पास क्या वो बोलेंगे, एक हमारे पास रफ स्क्रिप्ट होनी चाहिए उससे पहले कि वो क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि अगर लाइव जा रहे हैं तो हम उनको रोक तो सकते नहीं है कि वो क्या बोलने लगे तो क्या कर लेंगे। हाँ, तो उससे पहले हमें एक स्क्रिप्ट, रफ स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए और उसके साथ ही रिहर्सल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि हम क्या बोलने वाले हैं और सामने वाले एक्सपर्ट जो है वो क्या बोलने वाले हैं, अपने लिसनर से हम क्या बातचीत करने वाले हैं। आकाशवाणी की भाषा में बोले, विविध भारती की भाषा में बोले तो रेडियो वार्ता बोलते हैं। इसमें हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन बातचीत करने के लिए एक बात ध्यान रखना चाहिए, जैसा अभी विमलेश ने बताया, और वो ये था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हमारे पास उसकी एक स्क्रिप्ट हो ऑलरेडी, और जो विशेषज्ञ आ रहा है उसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं कि वो किस विषय पर बातचीत करेंगे और कहां तक करेंगे। और अच्छा है कि सीधा लाइव ना जाएं, बिल्कुल अच्छा है कि हम कार्यक्रम को पहले रिहर्सल कर लें, उससे पहले रिकॉर्ड कर लें। तो दिस इज कॉल्ड द रेडियो टॉक। नेक्स्ट, अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है, हाँ इसके बारे में इस समय थोड़ी देर की बातचीत करेंगे। वॉक्स इज अ फ्रेंच वर्ड, पॉपुली इज ऑल्सो अ फ्रेंच वर्ड। तो इट इज अबाउट द वॉइस ऑफ द पीपल। जब हम बात करते हैं वॉइस ऑफ द पीपल की, अगर हमें कोई रेडियो प्रोग्राम बनाना है तो मान लीजिए कि हमें महंगाई के ऊपर रेडियो प्रोग्राम बनाना है तो क्या करते हैं, हम जनता के बीच में जाके उनकी राय लेते हैं। जैसे उनकी अगर महंगाई है, इलेक्शंस हैं, तो उनकी जो बाइट्स हैं, जो हम बाहर फील्ड में जाके रिकॉर्ड करते हैं उनको बाइट्स भी बोलते हैं, जो 2 मिनट की 3 मिनट की हो सकते हैं। तो वहां उनके हम जो जनता की प्रतिक्रिया है, जो जनता के सजेशंस हैं, जो जनता की राय है, हम उसको बाहर जाके रिकॉर्ड करते हैं और स्टूडियो में आके अपने प्रोग्राम के साथ उसको क्लब करते हैं, कंबाइंड करते हैं कि जैसे नरेशन चल रहा है, फिर हमने कहा आइए सुनते हैं जनता क्या सोचती है इसके बारे में, जनता क्या जानती है, जनता की क्या राय है महंगाई के बारे में, तो हम उस जनता की बाइट डाल देते हैं उस जगह पे। तो ये एक वॉक्स पॉपुली कहलाता है। हाँ, वॉक्स पॉपुली है। और आप लोगों के लिए एक ऑफर है, आप लोग बच्चों की आवाज करके जरूर कुछ यानी कीजिए। बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चों की अकेला है, कोई बहुत बात नहीं करता है, कोई डिप्रेस्ड है, किसी का ब्रोकन फैमिली है, वी डू नॉट नो बच्चों की आवाज इनफैक्ट क्या है। अगर उन आवाजों को आप लेकर के आएंगे तो मुझको ऐसा लगता है, हम लोग ऐसा फील करते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग कि बच्चों को कोई सुनता ही नहीं। बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों की क्या डिफिकल्टीज हैं, बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रहा है, आप अगर उनसे बातचीत करें तो ये बच्चों की राय क्या है, ये हम एक कार्यक्रम बना सकते हैं। हाँ, तो ये थे रेडियो फॉर्मेट। और इस समय लास्ट में आते हैं, हमारे पास 10 मिनट है,
10 मिनट से भी कम है, लेकिन आप लोग सबको बहुत प्रबुद्ध हैं, आप लोग समझेंगे। इस समय हम आते हैं एक नए टॉपिक में, और वो है हाउ टू राइट फॉर द रेडियो, रेडियो के लिए किस प्रकार से लिखना चाहिए। अजीत सर, सॉरी टू इंटरवीन, वैसे तो हमारा मन ये कर रहा है कि हम सुनते रहे इस सेशन को, बीच में चाय टी ब्रेक जो है उसे भी खत्म कर दें लेकिन बहुत जरूरी है बीच में चाय पीना भी तो आपका आप इसको कंक्लूड कर दीजिए जल्दी से, फिर हम टी ब्रेक के लिए जो है अभी थोड़ी सी देर के लिए बस 5 मिनट। हाँ ठीक ठीक है, जल्दी से आते हैं, जल्दी से दौड़ के आते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू। राइट, आएंगे इस समय सीधा। अभी हम आते हैं लगातार इसको ये करते जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सब तो आप लोगों को पता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्रिएटिव राइटिंग। हाँ, अभी हम आते हैं क्रिएटिव राइटिंग, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं जी, यस, यहाँ पर क्या देख रहे हैं सर? आई कैन सी हियर इज द पेंसिल व्हिच इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक बल्ब। हाँ, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो पेंसिल है वो किस बात को, ये किस बात को शो करता है? पेंसिल इज रिप्रेजेंटिंग राइटिंग, राइटिंग, वेयर इज द बल्ब? बल्ब इज रिप्रेजेंट्स नॉलेज, नॉलेज, एंड नॉलेज इज लाइट, लाइट, नॉलेज इज लाइट। तो इस इमेज को देखते ही हम समझ जाएंगे कि क्रिएटिव राइटिंग वास्तव में क्या है, yes. है ना? जब आप कुछ ऐसा लिखते हैं जिसके द्वारा कि अंधकार दूर होता हो जाता है, इग्नोरेंस दूर होता है ना, तो उसको हम इस समय कहेंगे दैट इज द क्रिएटिव राइटिंग। इट इज क्रिएटिंग समथिंग इन द डार्कनेस, इन द डार्कनेस। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इस समय, और आगे, और आगे। तो ये अलग अलग इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट, हाँ, किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं हम कि उस प्रोग्राम पे कितने कार्यक्रम बने हैं, आप नया क्या कर सकते हैं, उसमें कितनी एक्सप्लोरेशन है कि आप मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी किताबें हैं उस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद स्टेप आता है इनोवेशन, जो इनोवेशन? अब तक किसी ने नहीं किया है वो आपको करना है, या अभी सर ने जैसे बताया जो अभी तक किसी ने नहीं लिखा है वैसा आपको लिखना है, मतलब समथिंग न्यू। आपको बहुत बहुत सारी चीजों में से, प्रोग्राम्स तो आपने बहुत सारे देख लिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसमें से कुछ एक नया लिखना है, वो इनोवेशन है। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो क्रिएटिव राइटिंग अपने आप अपने आप, अपने आप आ जाती है जी। लास्ट स्लाइड में चलेंगे इस समय, यहाँ पर ये आज का ये की सेंटेंस है, एक्चुअली की वर्ड भी होते हैं, की सेंटेंस भी होते हैं। बिल्कुल। तो राइटिंग फॉर द रेडियो इज राइटिंग फॉर द ईयर, यस। हम लोग एक्चुअली कानों के लिए लिखते हैं, बिल्कुल, बल्कि हम कहेंगे कि हम कानों से दिखाते हैं। वी मेक पीपल सी बाय द ईयर, यस। सुनने के द्वारा वो अपने मानसिक बिंब के द्वारा वो बहुत बातों को देख सकते हैं जी। तो राइटिंग फॉर रेडियो इज राइटिंग फॉर द ईयर। लास्ट में समय आते हैं, इसमें बोलने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर चलते हैं। इन्फॉर्मेटिव राइटिंग है और एक तरफ क्रिएटिव राइटिंग है। एक दो मैं पढ़ती हूँ, फिर बाद में सर इसको क्रिएटिवली पढ़ेंगे। हाँ जी। फर्स्ट इज लाइफ इज वेरी बिजी एंड वी हैवंट टाइम। हाँ, लाइफ इज वेरी बिजी बट वी हैवंट टाइम। इसी को यदि क्रिएटिवली बोले, व्हाट इज लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम इवन टू स्टैंड एंड स्टेयर, है ना? तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल, थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ, बहुत ही फॉर्मल है ये, थैंक यू फॉर कमिंग, आई डिड नॉट एंजॉय दैट मच, है ना? लेकिन अगर मैं बोलूं, आप ये बोलिए थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग, एंड आई विल से थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर विजिट, यस, बाय मेकिंग योर विजिट यू हैव कॉम्प्लीमेंटेड अस, सो थैंक यू वेरी मच। तो ये है। अब आगे एकदम लास्ट में हम आते हैं, क्योंकि समय को हम देख के चल रहे हैं जी। बिल्कुल। एक बात का डिस्कशन हमने नहीं किया, और वो है ओनोमेटोपोया। जब रेडियो के लिखते हैं तो जरूर से ऐसा लिखें उसमें साउंड होना चाहिए, साउंड का स्कोप होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल है द कप फेल फ्रॉम द टेबल। हाँ, यहाँ पर ओनोमेटोपोया नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है ये। लेकिन अगर हम यहाँ ध्वनि लाएंगे, ऑडियो के लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? द कप फेल फ्रॉम द टेबल एंड ब्रोक। सो हियर इज अ स्कोप ऑफ ओनोमेटोपोया, सो ब्रोकन कप इफेक्ट वी कैन ऐड इन आवर प्रोग्राम। हाँ, तो इस प्रकार के आप लोग के साथ ये स्क्रीन हम शेयर कर देंगे, आप लोग को मिल जाएगा लास्ट में, आगे एकदम लास्ट वाला, और इसके आगे और आगे लास्ट, जी हाँ, बस यहाँ पर। तो क्या क्या करना चाहिए, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। भाषा यथासंभव
बोलचाल की रखनी चाहिए, जैसे कि हम FM प्रेजेंटर्स जो होते हैं, रेडियो जो जॉकी होते हैं, जैसे वो नॉर्मल बातचीत की भाषा इस्तेमाल करते हैं, आपको भी वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात की लंबे वाक्यों का प्रयोग कम से कम कीजिए, क्योंकि लिसनर आपको देख नहीं रहे, वो भूल सकता है कि आप बोल क्या रहे थे, है ना। और हमेशा ध्यान दीजिए कि किताबी भाषा और बोलचाल की भाषा में अंतर होता है। तो और हमें हमेशा लालच होता है कि हम ना एक प्रोग्राम में अपनी सारी नॉलेज जितनी है हमारे पास, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, एक प्रोग्राम में डाल दें। तो वैसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने टारगेट ऑडियंस का जरूर ध्यान रखना है कि कौन हमें सुनने वाला है, कौन हमारे प्रोग्राम्स लिसनर्स कौन है, तो उनके हिसाब से हमें अपने प्रोग्राम्स बनाने हैं। जी, तो अब समाप्त करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ कि आपका अफ्रीका में बंदर को पकड़ने का एक तरीका है। वहां पर क्या होता है, नारियल का खोल होता है जी। नारियल के खोल में छेद इतना छोटा होगा कि खाली हाथ जा सके ऐसे, सिंपली हाथ जा सके ऐसे, लेकिन मुट्ठी बांध के मैं हाथ को निकाल नहीं सकता जी। यूं करके अब उन्होंने क्या किया कि जो आपका नारियल का खोल है उसमें डाल दिए चने। बंदर ने देखा, ओहो लेट मी गो, है ना। बंदर वहां पर आता है, दहिना बाया देखा, सीधा उसने क्या किया, अपना हाथ अंदर डाल दिया, अपना हाथ उसने अंदर में डाला। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चना है ना, यहाँ पर चना है, और उसने उसको ग्रैब किया जी। जैसे ग्रैब किया, एक्चुअली जो शिकारी लोग हैं वो समझ जाते हैं पकड़ने वाले, अब इसने ग्रैब कर लिया है, अब ये छोड़ने वाला नहीं है ना। और तब वो हल्ला करते हो 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 करते हुए वो लोग आते हैं। और जब आते हैं तो बंदर अब क्या करता है, वो चाहता है कि भागे, लेकिन भाग नहीं पाता, क्योंकि वो चने को छोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल मुट्ठी बंधी हुई है, यूं करके, है ना। बचने के लिए सिर्फ ये करना था, यार तू मुट्ठी खोल ले, अब भाग जा, है ना, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलेगा क्योंकि लालच है। इसी प्रकार का लालच कई बार हम लोग को होता है, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करें और कुछ ऐसा बोले कि देखिए ना यहाँ पर लिखा है चलने दीजिए ना सर, नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पर समाप्त करते हैं हम लोग सबको देखते हुए, और आप लोग इस समय कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा ना हो कि ये भारी भारी शब्द है ना, इनको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मतलब अगर उसी वर्ड को हमने पकड़ लिया, अवर प्रोग्राम इज गोइंग टू बी फ्लॉप। यस, लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज हुई तो हम बहुत ही अच्छा होने वाला है प्रोग्राम। तो हमें बस अपना लालच छोड़ देना है और वो मुट्ठी को खोल देना है अपने को, जो वोकैबुलरी हमने जो बांध रखी है उसको खोल देना है, बस हम अपने प्रोग्राम को हिट करा सकते हैं, बस इतना सा हमें करना है। सो थैंक यू वेरी मच। और आज इसी के साथ हमारे प्रिय श्रोताओं, आप हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है, तो इसके साथ अब अजीत को और विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। हमारा चैट बॉक्स तो सर भरा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि टी ब्रेक नहीं चाहिए, बस ये सेशन चलता रहे। बहुत ही